हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट्सएप की दो ऐसी ट्रिक जो आपको जाना ज़रूरी है अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है, ट्रिक्स है जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। तो करते हैं स्टार्ट। दो ट्रिक को ध्यान से देखना। कभी कभी होता है कि आपका नेट जल्दी ख़त्म हो जाता है, या कभी आपने यूज़ भी नहीं किया होता और आपका नेट ख़त्म हो जाता है। ये व्हाट्सएप की वजह से होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और कभी कभी होता है कि आपका जो डाटा है किसी को शेयर हो जाता है। कैसे शेयर हो जाता है और कैसे कोई आपके जो चैट्स है पढ़ लेता है, ये चेक करने के लिए कि आपके कोई मैसेज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो फर्स्ट ट्रिक तो समझते हैं। पहला, तो जब आपका जो नेट है ख़त्म होने की वजह, तो उसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पे। तो सेटिंग पे जाकर आपको जाना है चैट सेटिंग पे। चैट सेटिंग पे जाकर आपको चैट बैकअप पर क्लिक करना है। चैट बैकअप पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा इंक्लूड वीडियो। ये आपके जो फ़ोन में ऑन रहता है, जब ये ऑन रहता है तो जो आपका बैकअप लेता है ये, तो आपका डाटा इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। क्योंकि आजकल जो वीडियोस होती है हाई क्वालिटी की होती है, जो वीडियोस आपका डाटा बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है और कभी कभी आपका नेट बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और इसलिए इंक्लूड वीडियोस को ऑफ करके रखना चाहिए। और नेक्स्ट ट्रिक है कि आपका कोई डाटा शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पता करने के लिए कोई आपका चैट्स पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल अकाउंट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं कोई आपके आईडी टिक तो नहीं है कि जो आपका डाटा कहीं और शेयर हो रहा है। अगर आपकी ईमेल आईडी पर लगा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप इसे देख सकते हैं कि आपका डाटा शेयर हो रहा है, बैकअप चाहिए, वो आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।